आज बात उस बिहारी बेटे की जो बनना तो चाहता था पेंटर लेकिन बन गया फिल्म निर्देशक। जब काम की तलाश में पहुंचा मुंबई तो कई दिनों तक सोना पड़ा फुटपाथ पर, लेकिन जब आया तो डेब्यू फिल्म में ही मिला नेशनल अवार्ड। उनके निर्देशन की फिल्में देख आप कहेंगे सच में यह कमाल का है। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे बिहारी निर्देशक के बारे में जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में नई क्रांति ला दी थी। इन्होंने फिल्मों को देखने और सोचने के तरीकों में बड़ा बदलाव किया। इन्होंने लोगों को बताया कि इस तरह की फिल्मों भी मनोरंजन के दायरे में आती है। असल जीवन में ये पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई और जीवन के अनुभव ने यह बताया कि असल जीवन में तुम एक निर्देशक बनना चाहते थे, तुम एक अभिनेता बनना चाहते थे। इनकी फिल्में समाज पर आधारित होती हैं। इनको फिल्मों में आपको गांव मिलेगा, आपको परिवार मिलेगा, आपको सामाजिक समस्याएं दिखेगी, आपको सोचने का एक नया नज़रिया मिलेगा। असल में कहें तो इनकी फिल्मों में आपको मनोरंजन के साथ साथ पूरे सामाजिक ताना बाना दिखेगा। अब तक आप भी पहचान ही गए होंगे इस किरदार के बारे में। हम बात कर रहे हैं प्रकाश झा के बारे में। बिहारी बेजोड़ में आज के इस सेगमेंट में हम प्रकाश झा के जीवन से जुड़े हर पहलुओं के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके फिल्मी दुनिया के बारे में, शुरुआत के बारे में। प्रकाश झा बीएससी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली के रामजस कॉलेज गए थे, लेकिन एक साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और एक चित्रकार बनने के लिए मुंबई जाने का फैसला कर लिया। इस दौरान वे पेंटिंग सीखने के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना चाहते थे, यानी कि वहाँ दाखिला लेना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने धर्मा फिल्म की शूटिंग देखी और उन्हें लगने लगा कि यही काम मुझे करना है, और बाद के दिनों में उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ती चली गई। साल 1973 में उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी कि FTII पुणे में प्रवेश लिया। यहाँ कुछ दिनों की पढ़ाई करने के बाद छात्र आंदोलन हुआ और संस्थान पूरी तरीके से बंद हो गया। तब वो काम की तलाश में मुंबई चले गए। यहाँ उन्होंने शॉर्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अब तक इधर उनके कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा कॉलेज की तरफ रुख नहीं किया और वे अपने काम में मशगूल होते चले गए। साल 1975 में अपनी पहली शॉर्ट मूवी अंडर द ब्लू बनाई। इस दौरान उन्होंने कई संस्थानों के लिए शॉर्ट फिल्मों का निर्माण भी किया और कई संस्थानों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखा। इस तरह उन्होंने 8 सालों तक फिल्मों के लिए काम किया, यानी कि शॉर्ट फिल्मों के उस दौर में वो लगे रहे। उनकी वो शॉर्ट फिल्में जो काफ़ी लोकप्रिय हुई उसमें बिहार शरीफ दंगा, जिसे कि फेस आफ्टर स्ट्रॉम के नाम से प्रकाशित किया गया था, लेकिन यह शॉर्ट फिल्म 4 से 5 दिनों के अंदर ही बंद करना पड़ा। हालांकि बाद के सालों में इसे उस साल का सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी नवाजा गया था। इसके बाद अब वह समय आ गया था जब प्रकाश झा फीचर फिल्मों की दुनिया में कदम रखने लगे थे। वह साल था 1984 का, जब उनके निर्देशन में पहली फिल्म आई थी हिप हिप हुर्रे। इस फिल्म को गुलजार ने लिखा था। इस फिल्म के किरदार थे राज किरण और दीप्ति नवल। इसी साल प्रकाश झा के निर्देशन में एक और फिल्म आई दामूल, जिसने प्रकाश झा को एक नया मुकाम दिया और एक अलग पहचान दी। दामूल को साल 1984 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से भी नवाजा गया और साल 1985 में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। दामूल फिल्म बिहार में बंधुआ मजदूरी के मुद्दों पर बनाई गई फिल्म थी, जो लोगों को खूब पसंद आई। साल 1986 में उन्होंने परिणीता फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म विजयदान देथा ने लिखी थी। फिल्मों के एक निर्देशक के रूप में प्रकाश झा का जलवा था, लेकिन इसी दौरान छोटे पर्दे पर भी प्रकाश झा अपना हाथ आजमा रहे थे और एक सीरियल का डायरेक्शन कर रहे थे, जिसका नाम था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा और प्रकाश झा को यहाँ भी खूब नाम मिला। अब प्रकाश झा बॉलीवुड में एक नाम थे। बताओ, निर्देशक के रूप में प्रकाश झा फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज का भी डायरेक्शन किया, जिसमें उनकी वेब सीरीज आश्रम की चर्चा खूब होती है। प्रकाश झा के निर्देशन के बनी फिल्मों की अगर बात करने तो मृत्युदंड, गंगाजल, लोकनायक, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, ये वो फिल्में हैं जो हमें समाज से कनेक्ट करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये फिल्में हमें अपने समाज में झांकने को मजबूर करती है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज होने वाली है, मट्टो की साइकिल। इस फिल्म में प्रकाश झा एक अभिनेता के किरदार में है। इस फिल्म को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि प्रकाश झा की दामूल फिल्म की याद दिला रही है। मट्टो की साइकिल
यह दोनों ही फिल्म गरीबी और गरीबी से जूझते इंसान की कहानी है। प्रकाश झा की फिल्में हमेशा समाज के आखिरी व्यक्ति का नेतृत्व करती है, उनकी आवाज़ बनकर पर्दे पर दिखाई देती है। तो प्रकाश झा एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने समाज को टटोलने की कोशिश की, एक ऐसे अभिनेता जिसने बिहार और बिहार के अंदर की सामाजिक पीड़ा को एक पर्दे पर लाया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो चलते चलते आपसे एक सवाल कि प्रकाश झा के निर्देशन में बनी फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।